प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना प्रकरण है समास। समास समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस। सम प्लस आस, भाई ये दो शब्द है, एक सम और एक आस। सम के क्या क्या होते हैं, यानी सम दो प्रकार से लिख सकते हैं हम सम को। एक तो सम ये है और एक सम ये है। दोनों में अंतर है, एक में अलंत लग रहा है और एक में अलंत नहीं लग रहा है। जिसमें अलंत नहीं लग रहा उसका अर्थ क्या होता है, समान। और जिसने हलंत लग रहा है उसका अर्थ होता है सम्यक रूप से। सम्यक रूप से, सम्यक रूप से इसका शुद्ध अर्थ है, जिसे हम अच्छी तरह भी कह सकते हैं, पास पास भी कह सकते हैं, नजदीक भी कह सकते हैं। तो यहां लगा हुआ है हलंत। क्या लगा हुआ है, हलंत। तो इसका क्या है, सम। सम का अर्थ हुआ पास, और आस यानी रखना या बैठाना। आस का अर्थ क्या होता है, रखना या बैठाना, रखना या बैठाना। सम का अर्थ पास, संक्षेप होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त, दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं हम संक्षिप्त। तो समास का अर्थ क्या हुआ, संक्षिप्त या संक्षेप हुआ। क्या हुआ, संक्षिप्त या संक्षेप। संक्षेप होता कैसे है, पहले एक बार परिभाषा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि संक्षेप हुआ कैसे या संक्षिप्त तो होता क्या है। तो समास की परिभाषा देखेंगे एक बार हम। परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से हुए संक्षेप को समास कहते हैं। समास कहते हैं। भाई देखो, परिभाषा में शुद्ध परिभाषा है ये, कहीं कहीं हमको परिभाषा मिल जाती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या
क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदों के मेल या शब्दों के मेल से हुए संक्षेप को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से हुए संक्षेप को समास कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई समास में दो ही पद होते हैं, नहीं दो से अधिक पद भी होते हैं। कोई कहे कि उदाहरण नहीं मिलते, उदाहरण भी मिलते हैं। देखो उदाहरण क्या है, ज्यादा नहीं तो हम इस परिभाषा को शुद्ध करने के लिए उदाहरण बता सकते हैं कि भाई ये उदाहरण है जो दो से अधिक पद है किसमें। तो परिभाषा क्या है, दो दो तो निश्चित होनी है पद, दो पद तो निश्चित होनी है, लेकिन दो से अधिक पद भी हो सकते हैं किसमें, समास में। तो पहले दो से अधिक पद वाले एक दो उदाहरण देखेंगे हम, फिर हम अपनी अगली बात करेंगे दो से अधिक उदाहरण वाले। जैसे दो से अधिक उदाहरण वालों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे तन मन धन, बिल्कुल बहुत चर्चित उदाहरण है तन मन धन, तन और मन और धन। अब कितने पद हैं इसमें, तीन। तो कहें हम भाई सिर्फ परिभाषा इतनी रख दे कि दो पदों के मेल को क्या कहें समास, लेकिन तीन भी तो होते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से हुए संक्षेप को समास कहते हैं। एक उदाहरण और देख ले, जैसे मन कर्म वचन, मन कर्म और वचन ये भी क्या है, दो से अधिक पद। तो ऐसा नहीं है कि समास में दो पद वाले ही उदाहरण मिलते हैं, दो से अधिक पद वाले भी उदाहरण मिलते हैं। अगली बात है कि एक उदाहरण से देखेंगे हम कि संक्षेप कैसे होता है, संक्षेप होता कैसे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया रसोई घर, रसोई घर ये एक उदाहरण है रसोई घर। अब ये जो वर्तमान स्थिति है इसकी, ये क्या है संक्षेप की, ये वर्तमान स्थिति क्या है संक्षेप की है, क्योंकि इसको हमने खोला नहीं है अभी। जब इसको खोलेंगे तो वो कहलाएगा समास विग्रह। क्या कहलाएगा, समास विग्रह, क्योंकि ये जो पद है दो पद है उसकी जगह एक और पद बढ़ जाएगा, यानी इसमें कहीं ना कहीं और शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यदि इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। अब देखो ये क्या स्थिति है संक्षेप, सिर्फ इसमें दो पद थे रसोई और घर, जबकि ये बढ़ गया रसोई के लिए घर। कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया इसमें, तो ये बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो ये क्या है, क्या स्थिति कहलाई है, विग्रह। क्या कहलाया, विग्रह। ये क्या हो गया, विग्रह। और ऊपर वाली स्थिति क्या हुई, संक्षेप। और नीचे वाली स्थिति क्या हुई,
एक तो क्या होता है सामासिक पद जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं और एक होता है विग्रह। तो सामासिक पद क्या होता है, सामासिक पद होता है समास से बना हुआ पद। समास से बना हुआ पद क्या कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। और समान जो सामासिक पद है यदि उसे पृथक कर दे, उसे अलग कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाता है। दो शब्द है, सामासिक पद और एक समास विग्रह। तो समास से बना हुआ पद तो क्या कहलाया, सामासिक पद कहलाया। और यदि उस सामासिक पद का हम क्या कर दे, पृथक कर दे या सामासिक पद को अलग अलग कर दे, तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो दो शब्दों की हम बात कर रहे थे, एक है सामासिक पद और एक है विग्रह, इसे हम समास विग्रह भी कह सकते हैं। तो सामासिक पद क्या होता है, सामासिक पद होता है समास से बना हुआ पद। समास से बना हुआ पद, समास से बना हुआ पद क्या कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र, जैसे राजपुत्र, तो ये क्या है, एक सामासिक पद है। और यदि इस राजपुत्र का हम क्या कर देंगे, विग्रह कर देंगे इसका, या अलग कर देंगे या इसको पृथक कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, सामासिक पद को पद को पृथक करने की रीति, पृथक करने की रीति समास विग्रह कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। सामासिक पद को पृथक करने की रीति समास विग्रह कहलाती है। यानी समास जैसे ये राजपुत्र है, इसको अलग करे, इसका विग्रह करे, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, समास विग्रह कहलाएगी। जैसे इसी उदाहरण को ले रहे हैं हम, राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, विग्रह कर दिया हमने, विग्रह कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, कारक चिन्हों का प्रयोग कर दिया। जरूरी नहीं है कि कारक चिन्ह आए, लेकिन विग्रह होना जरूरी है। किसमें, समास विग्रह में क्या होना जरूरी है, विग्रह अलग अलग होना जरूरी है दोनों पदों का, तो वो क्या स्थिति कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। जैसे एक उदाहरण देखें, समाचार पत्र, समाचार पत्र, अब ये जो स्थिति है वो कैसी स्थिति कहलाएगी, सामासिक पद की कहलाएगी, संक्षेप की कहलाएगी, लेकिन जब हम इसका विग्रह कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, समास विग्रह बन जाएगा। और इसका विग्रह क्या होगा, समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र, क्या स्थिति बनेगी, समाचार के लिए पत्र वाली स्थिति बनेगी, समाचार के लिए पत्र वाली स्थिति क्या बन जाएगी, ये विग्रह वाली स्थिति बन जाएगी। अब बात क्या है, अब मेन बात है इसमें,
पहला पद भी कह सकते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हैं, पहला पद भी कह सकते हैं। दूसरा होता है उत्तर पद, दूसरा क्या होता है उत्तर पद, जिसे आप क्या कह सकते हैं प्रधान पद, प्रधान पद या दूसरा पद, प्रधान पद या दूसरा पद, पूर्व पद या पहला पद, दूसरा उत्तर पद या प्रधान पद या दूसरा पद, यानी दो पद हो गए, दो से अधिक होते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन वो बहुत कम धारणा में होते हैं। जैसे मैंने दो उदाहरण बता दिए, नहीं मिलते हैं दो या तीन से ज्यादा उदाहरण। तो यहां जो मुख्य काम है वो कितने पदों का है, दो पदों का है। कौन कौन से दो पद, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। एक कौन सा है, पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब बात आती है समास की, कि समास के कितने भेद होते हैं। तो देखें समास के भेद, समास के भेद मुख्यतः समास के भेद छह होते हैं। मुख्यतः समास के भेद कितने होते हैं, छह। कुछ विद्वान कहते हैं कि पद के आधार पर समास के चार भेद होते हैं, लेकिन भेद चाहे चार हो, उन विद्वानों ने क्या कर रखा है, तत्पुरुष समास के दो उपभेद बना रखे हैं, इसलिए समासों की संख्या छह ही मानी जाती है। तो समास के जो भेद हैं वो कितने हैं, छह। एक शब्द बता लेता हूं शब्द शुद्धि का, छह ये शुद्ध है ना कि ये शुद्ध है, शुद्ध शब्द छह है लगेगा शब्द शुद्धि का शब्द छह। तो समास के भेद छह हैं, लेकिन वो कैसे हैं वो देखें। पहला समास अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा है आपका बहुव्रीहि समास। ये चार इस प्रकार से कर दिए, कुछ विद्वान कहते हैं चार भेद होते हैं पद के आधार पर, लेकिन तत्पुरुष समास की दो शाखाएं हैं। तत्पुरुष समास की कितनी शाखाएं हैं, दो। एक है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जिसको उपभेद भी माना जाता है। नंबर के हिसाब से देखें तो पांचवें नंबर का समास माना जाता है। छठवां समास जो उपभेद है तत्पुरुष का वो है द्विगु समास, द्विगु समास। तो छह हो गए, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहु
पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास से पहला, और पहले नंबर में पहला ही पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? पहला ही पद प्रधान होता है। नंबर टू में कौन है? तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कितने नंबर का समास है? दूसरे नंबर का समास। दूसरे नंबर का समास है तो इसमें दूसरा पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है। तीसरा है द्वंद समास। तीसरा कौन सा है? द्वंद समास। तो तीसरे में पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दोनों, तीसरे में दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरे में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद होते हैं? दोनों पद। चौथा समास है बहुव्रीहि समास, और चौथे में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। चौथे में कोई भी पद प्रधान नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं। तो पहले में पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा पद प्रधान, तीसरे में दोनों पद प्रधान, और चौथे में कोई पद प्रधान नहीं। अब बचे हमारे पांचवे और छठे। पांचवे और छठे में जब देखो ये तत्पुरुष समास के भेद माने जा रहे हैं या तत्पुरुष समास की शाखाएं मानी जा रही है, तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद। और ये दोनों इसकी शाखाएं हैं, तो इसमें और इसमें कौन सा पद प्रधान हुआ? दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद प्रधान इसलिए भी दूसरा पद प्रधान। तो दोनों शाखाएं हैं, तो कर्म धारय का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। द्विगु का कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ये स्थिति है पदों की। किसकी स्थिति है? पदों की। समास में कितने पद होते हैं? दो। पूर्व पद जिसे पहला पद कहते हैं, उत्तर पद जिसे प्रधान पद कहते हैं या दूसरा पद कहते हैं। समास के भेदों की बात करें तो छह होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा कर्मधारय और छठा द्विगु। इनमें पद की बात करें, अव्ययीभाव समास में पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा पद, द्वंद में दोनों पद, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं है। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान है और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान है। क्यों है? क्योंकि ये तत्पुरुष की ही दोनों शाखाएं हैं। अगली बात सुने आप, समास के प्रश्न किस प्रकार आते हैं या परीक्षाओं में? समास से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन स्तर हो चाहे कोई भी स्तर हो, समास में तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार होता है कि समास का नाम दे देगा और आपसे परिभाषा और उसके उदाहरण पूछेगा। पहला टाइप क्या होगा? समास का कोई उदाहरण दे देगा, उसकी परिभाषा और उसका नाम पूछेगा, उदाहरण देगा, या फिर आपको सीधा बोलेगा कि समास की भाई उपयुक्त समास की उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखो। ये दोनों ही सरल प्रकार है, लेकिन तीसरा सबसे कठिन प्रकार है। वो आप देखें तीसरा प्रकार क्या है प्रश्न पूछने का। तीसरा प्रकार होता है रेखांकित करके प्रश्न पूछना। एक उदाहरण बता दो कि कैसे रेखांकित किया जाता है। जैसे राम
चतुर भुज की पूजा करता है। दोनों में शब्द एक ही है रेखांकित, चतुर्भुज और चतुर्भुज। अब यदि हम समास देखें तो दोनों में समास में परिवर्तन हो गया, दोनों का समास विग्रह हो गया। भाई राम चतुर्भुज बनाता है, आप वाक्य देखें, रेखांकित शब्द को ना देखें, आपको क्या देखना है, वाक्य देखना है कि राम चतुर्भुज बनाता है, इसमें जो समास हो गया वो हो गया द्विगु समास। कौन सा हो गया? द्विगु समास। कौन सा हो गया? द्विगु समास। और दूसरा देखिए उदाहरण, राम चतुर्भुज की पूजा करता है, यानी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हो सकती, कि इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि राम चतुर्भुज की पूजा करता है, यानी ये कौन हो गए? चार भुजाओं वाले, यानी ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी क्या है? अन्यार्थ निकलने वाला अर्थ है चतुर्भुज का, क्योंकि चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा जी। तो क्या हुआ यहां? चतुर्भुज सब की पूजा करता है, पूजा यानी उसकी आराधना कर रहा है यहां। तो चतुर्भुज बनाना द्विगु समास, और पूजा करना बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इस प्रकार तीसरा टाइप होता है अपने प्रश्न का, जो कि सबसे कठिन माना जाता है। बाकी की कल चर्चा अपन अगले पार्ट में करेंगे।